नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। ये तो सभी विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए, राजनीतिक दलों के लिए। पूरे देश की जो निगाहें लगी हैं वो लगी हैं उत्तर प्रदेश पर, और इसका कारण है उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद यहाँ से चुन कर जाते हैं, और विधानसभा का साइज भी, जो आकार है वो भी काफी बड़ा है, 403 विधायकों वाली विधानसभा है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी सीटें मिली थी, जिसके दम पर वो केंद्र में सत्ता पर काबिज हो पाई। बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहें तो प्रचंड बहुमत मिला और उसने सरकार बनाई। तो ये तो रही एक बात। अब फिर विधानसभा चुनाव है, 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, 7 मार्च को आखिरी फेज का चुनाव होगा, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, और फिर 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। ये तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण प्रदेश क्यों है, क्या मुद्दे हैं, चुनाव होना चाहिए या हो रहा है। मुद्दे तो बहुत हैं देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश, ये तमाम मुद्दे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो इतिहास रहा है, सियासी तारीख जो है, उसको बहुत करीब से देखते रहे हमारे एडिटर फरागत साहब, तो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद तस्लीम साहब। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि चुनाव हो रहा है, चुनाव जनता के मुद्दों पर ना होकर भटका हुआ लग रहा किसी और ही दिशा में जा रहा है, तो आप अगर मोटे तौर पर इसको समाप्त करना चाहें, कैसे करेंगे कि ये चुनाव जो है किन मुद्दों पर और किस दिशा में जाता हुआ दिखता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुद्दे बहुत हैं, जनता के मुद्दे बहुत हैं, आपने उन मुद्दे गिनाए भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि चुनाव उन मुद्दों से हट के एक दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। और ये प्रक्रिया उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी जी की सरकार में बगावत फूट पड़ी, उपद्रव हो गया, और 3 मंत्री, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे, मौर्या जी, दारा सिंह और एक और, मुझे उनका नाम याद नहीं, वो 3 मंत्री और लगभग 8 या 10 MLA भारतीय जनता पार्टी छोड़ के एकदम से समाजवादी पार्टी में चले गए। यहां से चुनाव ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया, और चुनाव सन 2014 के बाद, आपको याद होगा कि जब मोदी जी आए थे पहली बार चुनाव लड़ने, तब के बाद पहली बार ऐसा लगने लगा कि चुनाव फिर जातिगत मंडल आधार पर की ओर जा रहा है, इसके बजाय कि वो असल मुद्दों पे चुनाव हो। और आप जानते हैं कि पिछले 30-40 सालों से उत्तर प्रदेश में चुनाव या तो जात के आधार पर या धर्म के आधार पर होता रहा है, तो एक बार फिर से मंडल की आहट सुनाई देने लगी, और ये एक बड़ा परिवर्तन था। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं समझता हूँ कि एक नया मोड़ आया 2014 के चुनाव। ये मोड़ आया जबरदस्त। आपको याद होगा 2014 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर लड़ा था, उसमें मोटे तौर पर 2 मुद्दे थे। एक था विकास, जिसमें अच्छे दिनों का नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास की बात थी, और दूसरा जो निहित था वो था हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने रखना। और 2019 का चुनाव, 2019 आते आते जो चुनाव था वो विकास था तो, लेकिन राष्ट्रवाद पर ज्यादा था। इसी दोनों चुनाव के बीच में जो 2017 का विधानसभा का चुनाव था, वो भी मोटे तौर पर विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर था, और डबल इंजन की बात थी। इस बार का चुनाव, डबल इंजन तो बोल रहे हैं लेकिन बहुत सारे पैमाने पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। और जब, जैसा कि आपने कहा कि मंडल जो है थोड़ा हावी हुआ है हाल की घटनाओं के बाद जो उत्तर प्रदेश में हुई है, उसके बाद से बीजेपी अपना स्टैंड थोड़ा सा बदलती हुई दिखती है आपको?
देखिए, चूंकि हम लोगों ने अभी जो बात की यही थी कि पिछड़ों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पार्टी जनता पार्टी के से नाउम्मीदी दिखाई गई, और उनके नेता जो हैं वो सैनी जात के, कुशवाहा और दूसरी छोटी पिछड़ी जातियां खास तौर से जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ कर समाजवादी पार्टी की ओर जा रही है, और समाजवादी पार्टी की ओर से पहली बार बहुत खुल के सामाजिक न्याय का नारा लग रहा है। ये सामाजिक न्याय जो है वो हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। उसका कारण यह है कि 2000 आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति देखें, 1989 में जनता दल में मुलायम सिंह की सरकार बनी थी, और 90 में जब वीपी सिंह ने मंडल का आरक्षण लागू कर दिया था, तो पिछड़ों ने खास तौर से और उन्हीं के साथ साथ दलित और दलितों के साथ मिल गए थे मुसलमान, ये तीनों लोगों ने सामाजिक न्याय का नारा उठाया। और सामाजिक न्याय हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और अगड़ी राजनीति के अपर कास्ट और अगड़ों की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी की बात थी, और उससे वो घबरा गए थे। तभी कमंडल का की शुरुआत हुई थी, और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खुल के इस देश में की थी। तो अब फिर वही स्थिति फिर वही होती जा रही है जो 1993 में थी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए और हिंदुत्व राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि दोबारा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदुत्व और मुसलमान की घृणा की जो राजनीति रही है उसके खिलाफ, हिंदू मुसलमान जात की खाई को पाटने के लिए वो धर्म की का हिंदू मुसलमान की खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, अभी खुल के रैलियां नहीं हो रही हैं, रैली एक बार शुरू होती हैं तो पिछली बार कब्रस्तान और शमशान था, तो इस बार औरंगजेब और शिवाजी की का नारा मोदी जी दे ही चुके हैं। मुझे लगता है इसमें और तेजी आएगी और राजनीति और उत्तर प्रदेश में चुनाव खुलकर मुद्दों के बजाय मंडल और कमंडल के बीच हो जाएगा, मुद्दों के बजाय मंडल और कमंडल के बीच हो जाएगा। लेकिन जफर साहब, मुद्दा ये है कि इन सब के बीच में जो है असली मुद्दे पिछड़ जाते हैं, उससे आम लोगों का, युवाओं का नुकसान होता ही होता है। लेकिन जो आपने एक बात कही कि पिछड़ों की, दलितों की, ओबीसी की जो राजनीति होती है उससे हिंदुत्व अपने आप को चुनौती समझता है उसे, और यही वजह है कि ये घूम फिर करके जो संघ का एजेंडा है उसके ऊपर आ जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इनकी जो है, जो कि कोशिश लगातार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे एक मजबूत लोकतंत्र वाले देश में संभव नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अब मसला ये आता है कि जब चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं 22 तारीख तक लगी हुई रैलियों पर, उसके बाद जब ये खुलेगा, रैलियों का दौर शुरू होगा, और जो जब ये निकलेंगे, तो वो जो एक भय का, एक नफरत का जो माहौल पैदा करने की कोशिश होगी, क्या उसका असर दूसरे राज्यों पर और आम तौर पर अल्पसंख्यकों के बीच पड़ने की इम्कान देखते हैं आप? और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के पास के साथ ये पैदा हो गई है, 2014 और 2019 तक इतनी गहरी हो रही थी कि कोविड की बीमारी ने, महामारी देश में इस कदर जबर भयंकर बेरोजगारी, इस कदर भयंकर अर्थव्यवस्था को इतना ज्यादा असरअंदाज किया है कि अब ये एक मोदी जी जो गुजरात से डेवलपमेंट के हीरो बन के उभरे थे, वो छवि बहुत धूमिल हो गई। अब विकास पुरुष, मोदी जी विकास पुरुष कम रह गए हैं और हिंदुत्व हीरो अधिक रह गए, बन गए। तो इसलिए विकास उनको मालूम है कि बहुत ज्यादा चलने वाला कार्ड नहीं। हालांकि मोदी जी ने बड़ी कोशिश की, आपने देखा होगा कि चुनाव शुरू होने से, डेढ़ तारीखें आने से पहले वो
तो उन्होंने कभी किसी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर, एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करते थे, रोज परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा था। लेकिन बहुत स्किल्ड पॉलिटिशियन है, बहुत मजे हुए सियासतदान है, उनको ये मालूम है कि अब विकास ज्यादा चलने वाला नहीं है, मंडल सर उठा चुका है, इसलिए पुनः बहुत खुलकर हिंदुत्व का नारा और हिंदुत्व पॉलिटिक्स होगी, जिसमें कमन जैसा आप जान जिसको हम कमंडल पॉलिटिक्स कहते हैं, उसका वो कार्ड फिर से खेला जाएगा और इसका असर जाहिर सी बात है कि दूसरे देश प्रदेशों पर भी पड़ सकता है, अच्छा या बुरा यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है, चैलेंज जो हिंदुत्व की राजनीति और मोदी जी की जो राजनीति है उसके सामने एक चैलेंज आ गया, और चैलेंज वो ये है कि उनकी राजनीति का पूरा जोर उत्तर प्रदेश और बिहार में ये रहा है कि मंडल को किसी तरह से खत्म करके हिंदू समाज को जाति के नाम पे नहीं बल्कि धर्म के आधार पर इकट्ठा करके एक हिंदू वोट बैंक बनाया जाए, और उसमें वो बहुत कामयाब रहे। लेकिन पहली बार लेकिन फिर से अगर मंडल खड़ा हो जाता है तो फिर इसके माने ये है कि वो पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, यानी मोदी जी उतने अब सफल नहीं रह गए हैं जैसे पहले हुआ करते थे, धर्म की राजनीति इतनी कामयाब नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है जिससे संघ और बीजेपी को दोनों को खास तौर से इस वक्त उत्तर प्रदेश में जूझना पड़ रहा है। संघ और बीजेपी को इससे जूझना पड़ रहा है, लेकिन इस सबके बीच एक और बात है, मंडल और कमंडल की जब हम बात करते हैं तो मोटे तौर पे अपर कास्ट हिंदू और लोअर कास्ट हिंदू की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 20% मुस्लिम आबादी भी है। मुस्लिम वोटर्स की, मुस्लिम समाज की बात सीधे सीधे कोई नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद ही करना बेकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही, आरएलडी भी नहीं कर रही। तो ऐसे में जो मुस्लिम समाज है वो अपने आप को कहाँ कहाँ पाता है? बहुत अच्छी बात कही, मोदी की पॉलिटिक्स की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी बल्कि जो संघ का टारगेट है, संघ का टारगेट जो रहा है, जो संघ की असल बात राजनीति रही है, संघ की राजनीति के दो बहुत बड़े सामाजिक लक्ष्य हैं। और पहला तो ये कि हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों को बिल्कुल किनारे पर लगाया जाए, और दूसरा ये कि पिछड़ों और वो हिंदू समाज का जो मनुवादी स्ट्रक्चर उसको बरकरार रखा जाए, यानी अगड़ों की और अपर कास्ट की का वर्चस्व देश में बना रहे और पिछड़े और दलित ये समाज हिंदू समाज के जो लोग हैं वो भी हाशिए पे रहे, सत्ता और दूसरे मामलात में उनको सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए, ये दो टारगेट हैं। और मोदी जी सन 2014 में दोनों चीजों में कामयाब हुए। मुसलमान आप जानते हैं कि आज इस स्थिति में है तो उसको कोई पार्टी उसका जैसा आपने कहा नाम लेने को तैयार नहीं। मोदी जी ने इस देश को हिंदू में बना दिया, इसमें कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन और मुसलमान भी समझ रहा है कि उसके लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, उसकी यहाँ तक के उसका शहरी कानून के नाम के ऊपर उसका वोट का अधिकार भी जाया जा सकता है, इस वजह से वो बहुत और उसने जितनी समस्याएं झेली, कभी अजान पे पाबंदी तो कहीं नमाज रोकी जा रही है, तो लिंचिंग हो रही है, एक ऐसा माहौल जो हमने आपने और इस देश ने आजादी के बाद से देखा नहीं था, मुसलमान के लिए इतना खतरनाक माहौल। देखिए जब किसी समाज के ऊपर बड़ी गहरी चिंता और गहरी समस्याएं आती हैं तो वो समाज में कुछ चिंतन मनन अपने से भी उत्पन्न, और मुझे लग रहा है जो मेरी बात होती रही है लोगों से, जो थोड़ा बहुत मैंने यूपी में ट्रैवल किया, मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, विद्यालय के अप्रिय में हूँ, लेकिन मेरी जितनी बातें हुई उससे ये मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में वही चेतना उत्पन्न हो रही है जो सन 1993 में हो गई थी। अब सन 1993 में क्या हुआ था, वो भी जब हिंदुत्व का एक पीक था, आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरी, और देश में
सांप्रदायिकता का एक तूफान था, एक लहर थी। शहर शहर, प्रदेश प्रदेश दंगे हो रहे थे, कई हजार मुसलमान मारे गए, हिंदू भी मारे गए उसमें कुछ, लेकिन हजारों की तादाद में मुसलमान मारा गया। और एक बड़ी बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई मुस्लिम समाज के सामने। तब क्या, फिर 1993 में यूपी का चुनाव एकदम से आ गया। अब उत्तर प्रदेश में जो यूपी का चुनाव आया, विधानसभा का, तो मुसलमान तो उस समय काशीराम और मायावती और मुलायम सिंह यादव ने अलायंस बनाया और साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। मुसलमान ने बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग, मुसलमान ने क्या किया, जहां जो कैंडिडेट बीजेपी को हराने की स्थिति में था उसको वोट डाला। और इतने बड़े सांप्रदायिकता के तूफान के बाद, जो बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद आता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों और दलितों के साथ मिलकर उस तूफान को रोकने में थामने में कामयाब हुआ। और यही चिंतन मुझे लगता है फिर से मुस्लिम समाज में हो रहा है, जो बहुत अकलमंदी की बात है। हालांकि डिवाइड करने की पूरी कोशिश है, ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे कैरेक्टर्स मैदान में अक्सर कूदते रहते हैं, बिहार में भी हमने देखा और उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, बहुत बिल्कुल सही बात कही। देखिए, अब मुसलमान को यह तय करना है कि वो भावुक राजनीति, जैसी कि मुस्लिम प्लेयर्स करते हैं कि जज्बात की तरह रखी राजनीति, इमोशंस के ऊपर मुसलमान को खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें करना और उनके लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसा कभी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तकरीरें किया करती थी। नतीजा क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बड़ी बड़ी तकरीरों का नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर और कि हम जान देंगे लेकिन मस्जिद आँच नहीं आने देंगे, उसका नतीजा क्या हुआ, मस्जिद भी गई और हजारों मुसलमान मारा गया और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को एक जीवन मिल गया। ये भावुक राजनीति का नतीजा ये होता है। अगर वो असदुद्दीन जैसे भावुक नेताओं के जज्बात के नाम के ऊपर, पॉलिटिक्स करने वाले लीडरों के नाम पर उसने अपना वोट बांटा, तो अभी तो तलवार सर पे लटक रही है मुस्लिम समाज के, फिर सर तलवार उसके गर्दन पर। अब उनको ये तय करना होगा कि वो 1993 में जिस सूझबूझ के साथ उन्होंने वोट किया था वो ये करते हैं कि ऐसा ही करते हैं, या कि अपनी या पर जज्बात में आकर रहे अपनी गर्दन कटते हैं। ये जब दंगे होते हैं तो कोई असदुद्दीन वैसे नहीं दिखा सकता, कोई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कहीं नहीं नजर आता। तो तारीख भी हमें यही सिखाती है कि जब बहुत बड़ी मुसीबतें आ जाएं तभी समाज में बहुत गहरे मंथन होता है, चिंतन होता है और फिर उससे एक राह निकलती है और वो ताकतें जो खतरा बनती हैं किसी भी समाज के लिए उनको परास्त किया जाता है, हराया जाता है। लेकिन हम वापस आते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल के ऊपर। अभी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करके ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएंगे। एक चीज जो सामने दिख रही है वो ये है कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी महिला उन्मुखी राजनीति कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से परहेज करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर कोई ग्रंथी है जिसको वो जिसमें अपने आप को बांधे रखती, उनका अंदाजा ये है कि हिंदुत्व धर्म की राजनीति महिलाओं के ऊपर, धर्म का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है हर समाज। और अगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी उनका मैनिफेस्टो नहीं आया इसलिए ये बात नहीं कह सकते पूरी तरह से कि महिलाओं के बारे में वो कोई बात नहीं करेंगे। मैनिफेस्टो में हो सकता है कि वो कुछ लोगों को सरप्राइज करें इस इशू पे, लेकिन महिलाएं हर समाज में ज्यादा धर्म से करीब से जुड़ी हुई होती हैं। उनको लगता है कि अगर कमंडल चलता है तो महिलाएं उनके नेचुरल वोट बैंक हैं और वो धर्म के नाम पर वोट करेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से एक जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारा ही नहीं बल्कि एक
महिला समाज में उसके प्रति जो जिस प्रकार का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है, उससे ये नहीं लगता कि धर्म के नाम के ऊपर आप जो चाहें वो कर ले जाएं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पिछड़े हों या दलित हों। ये प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी सफलता है और उन्होंने बहुत इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा दिए। ये उनके क्रिटिक भी इस बात को मान रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस दौरान ये भी हुई कि जब तक भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में भगदड़ नहीं मची थी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और दूसरे ओबीसी और दलित और एससी एसटी के नेता बीजेपी से भागना नहीं शुरू हुए थे, तब तक ये चर्चा बहुत गर्म थी और लगभग उसको पुष्ट माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और अयोध्या से चुनाव लड़ने के बहुत ही सांकेतिक अर्थ होते, हिंदुत्व का एक मुखर चेहरा सामने आता। अयोध्या पूरे विश्व में जाना जाता है राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के चलते, वहां अब राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन जब जैसे ही ये भगदड़ मची, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको गोरखपुर का टिकट थमा दिया। तो ये योगी का अयोध्या से वापस पूर्वांचल की तरफ रुख कर लेना, मध्य उत्तर प्रदेश को छोड़ देना, इसके कुछ सांकेतिक अर्थ हैं, सियासी मायने निकलते हैं। देखिए, ये कह देना, ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये मुझे पूरा विश्वास नहीं, इस बात पर नहीं है कि अयोध्या से जो उनका नाम चल रहा था योगी आदित्यनाथ का, वो पूरी पार्टी का फैसला था या वो खुद इस बात में दिलचस्पी थी उनकी कि वो मोदी जी की तरह से वो खुद भी हिंदू धर्म के एक मुखर चेहरा, जैसा आपने कहा, उसके एक आइकॉनिक फिगर बनकर उभरे। और जैसे मोदी जी ने काशी में एक धर्मस्थल से चुनाव लड़ा, ऐसे ही वो अयोध्या हिंदू स्थल से चुनाव लड़ के वो चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी सोच थी और वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अपने को मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नॉमिनी के रूप में देख रहे हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। और ये बातें बहुत ये बात कभी पता चलना बड़ा मुश्किल है कि पार्टी चाह रही थी कि या वो चाह रहे थे। जाहिर है कि मोदी जी इस बात को नहीं चाह रहे थे, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो पलट के वापस फिर गोरखपुर गए। गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी आप जानते हैं, ये वो एरिया है जहाँ से जहाँ पे सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व है। ये वो एरिया है जहाँ बैकवर्ड पॉपुलेशन, अदर ओबीसी कास्ट यानी यादों के अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं, वो उनकी तादाद और जनसंख्या बहुत है। इसलिए कोशिश ये है, मुझे ये लगता है कि ये कोशिश है कि योगी जी दोबारा वहाँ ईस्टर्न यूपी में कंसंट्रेट करें और ये मैसेज जाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम धर्म नहीं बल्कि पिछड़ों का, खाली अपर कास्ट नहीं बल्कि पिछड़ों के और दूसरी जातियों के का भी मुख्यमंत्री उनके साथ है। ये मैसेज देने की कोशिश जरूर है और आप ये सही कह रहे हैं कि इसमें एक सबटेरेनियन मैसेज है जो योगी जी के गोरखपुर जाने से वापस दिया जा रहा है पार्टी की ओर से। चलिए, आखिरी बात यह है जफर साहब कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि धीरे धीरे साफ हो गया और आपने भी कहा कि लड़ाई अब मंडल और कमंडल की है। अब मंडल एक बार फिर से खड़ा होता दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, जो कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ी है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका आरएलडी के साथ चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो है उनके साथ, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन है, वहां जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे लगता है कि मंडल खड़ा हो रहा है और कमंडल को काफी मेहनत करना पड़ेगी अगर उसको उसका मुकाबला करना है। आंदोलन तो किसानों का था, अभी ताजा ताजा खत्म हुआ है। किसान उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश भी माना जाता है, किसान बड़ी संख्या में है और लखीमपुर की घटना हम लोग भूले नहीं।
जो किसानों का आंदोलन था, किसानों की नाराजगी थी और उनसे जो वादे किए गए थे कृषि कानून वापसी के समय, वो अभी पूरे नहीं हुए, क्या वो भी कोई रोल अदा कर सकता है चुनाव में? कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से लगभग किसान आंदोलन की ही वजह से निकल सके, ये उनका बेस्ट चिन्ह पिछला चुनाव लोकसभा का भी और विधानसभा का भी उन्होंने इस एरिया में स्वीप किया था और सारी पार्टियां मुंह सबकी रही थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के कारण वहां यहाँ पे जो जाटों का, पिछड़ों का और दलितों का एक सेक्शन, कम से कम एक हिस्सा दलितों का, और उसके साथ साथ ये बड़ी संख्या में, यह बहुत बड़ी संख्या में इसी जगह पे इसी रीजन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और में मुस्लिम आबादी भी लगभग सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ही है उत्तर प्रदेश के इलाकों में, ये इनका एक एक सामाजिक अलायंस बन गया है और इस अलायंस का एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है जो ये सारी जातियां जहाँ इस रीजन में किसानी से जुड़ी हुई हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, वो सब के सब नाराज हैं। किसान आंदोलन का ये असर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बल्कि इसका असर पूरे प्रदेश में है। लखीमपुर खीरी सेंट्रल यूपी में है, लखनऊ के से मिला हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है और आपने देखा कि वहां किसानों के साथ क्या हुआ था। इसकी धमक पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश हर जगह है। किसान बहुत खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, धर्म के साथ साथ और जात के मामले के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में जो इकोनॉमिक इशू है, जो किसानों का इशू है, वो एक बड़ा मुद्दा है और इसके ये बीजेपी के लिए चैलेंज है। बीजेपी के लिए चैलेंज है मुसलमान, जाट, गुजर, किसानों के बीच एक सोशल अलायंस बनने की संभावना नजर आ रही है, जैसा कि जफर साहब बता रहे हैं। कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को चुनाव शुरू हो रहा है और 7 मार्च तक चलेगा 7 चरणों में, फिर 10 तारीख को गिनती के बाद पता चलेगा कि किसकी हार और किसकी जीत होती है। लेकिन बड़ा 2-3 बातें इस डिस्कशन से निकल के आती है। नंबर एक कि लड़ाई असली मुद्दों यानी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था और करप्शन आदि को पीछे छोड़ते हुए मंडल और कमंडल की है। कमंडल हम सब जानते हैं धर्म की राजनीति है, धर्म आधारित राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, क्योंकि धर्म को सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म बहुत सौम्य है, सबको साथ लेने वाला है, लेकिन जो हिंदुत्व है उसका एग्रेसिव रूप जो है वो एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव नहीं है। दूसरी तरफ मंडल है जो कि एक अलायंस है जिसमें पिछड़ों को मंडल इसलिए कहते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण दिया था देश के पिछड़ों को, दलितों को, अनुसूचित जाति जनजातियों को, उसको इसलिए मंडल कहते हैं। और ये वो जातियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमेशा से दबाने का काम करती रही है, वो अपर कास्ट को अपना आगे बढ़ाकर उन पर राज करना चाहती है। इस बीच एक MY फैक्टर भी कई चुनाव में देखने को मिला, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और MY फैक्टर के साथ ही जब मंडल चप खड़ा होने लगा है तो भारतीय जनता पार्टी जो सीना तान तान कर विकास 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 और अच्छे दिन का नारे लगाते थकती नहीं थी, वापस सिर्फ एक ही जगह पर आकर रुक जाती है कि धर्म के आधार पर कैसे वोट हासिल किए जाए, सत्ता हासिल की जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म सत्ता पर काबिज होने का एक रास्ता है, उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। जफर साहब आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा रही और उत्तर प्रदेश चुनाव पर हम और आगे चर्चा करेंगे 22 तारीख के बाद जब चुनावी रैलियां शुरू होंगी और जैसे ऐसे और रंगीन होगा चुनावी माहौल, तब हम इसके ऊपर और बातें करेंगे, नई नई खबरें आएंगी और उम्मीद करें कि नतीजा कुछ भी हो, फैसला किसी के भी हक में आए, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। और हमारी अपील है हमारे दर्शकों से कि आपके इलाके में जिस भी तारीख को चुनाव है वोट डालने जरूर जाएं, वो आपका संवैधानिक अधिकार है और वो ऐसा अधिकार है जो आपको आपकी आवाज आपकी सरकार तक पहुंचाने के लिए सक्षम बनाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।